दोस्तों, कई दिनों से आप डिमांड कर रहे थे कि मैं विदाउट चिमनी अपने किचन को कैसे मेंटेन करती हूँ। तो दोस्तों, इसका मेन फंडा तो मैं अपने किचन टूर वाले वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी मैं कोई चीज छौंकती बघाती हूँ तो उसे ही आगे वाले बर्नर्स पे करती हूँ और उसे तुरंत ढक देती हूँ, जिसके कारण मुझे कभी चिमनी लगाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई। इसी ट्रिक के कारण अगर गैस चूल्हे के ऊपर वाला एरिया मैं 5-6 महीने तक नहीं भी क्लीन करूं तो भी ग्रीसी नहीं लगता है। कई व्यूअर्स मुझसे मेरे क्लीनिंग का तरीका भी जानना चाहते थे। क्योंकि मैं क्लीनिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करती नहीं थी, इसलिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाने में मुझे संकोच भी हो रहा था, पर आपने डिमांड की थी तो ख्वाहिश तो पूरी कर ली ही थी। दोस्तों, इस टॉपिक पर वीडियो पेंडिंग होने के कारण लगभग 3 महीने से मैंने इस एरिया की सफाई नहीं की थी और तड़का लगाते समय कढ़ाई को ढक भी नहीं रही थी, क्योंकि ज्यादा गंदा होगा तभी तो क्लीनिंग का वीडियो बना पाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं अपने किचन प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग बहुत ही सिंपल तरीके से, बट कुछ खास बातों का ध्यान रखते हुए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलर किचन में चिमनी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों, 11 साल पहले जब मैंने मॉड्यूलर किचन करवाया था, तब मैंने यहाँ चिमनी की स्पेस खाली छोड़ दी थी, पर गैस चूल्हे के ठीक ऊपर होने के कारण इसकी क्लीनिंग टाइम टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं मैं कैसे इसकी क्लीनिंग करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले स्क्रबर का चुनाव सही होना चाहिए। ये गाला ब्रांड का स्क्रबर है जो यूटेंसिल क्लीनिंग के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है, पर सनमाइके के लिए सही नहीं है, इससे स्क्रैचेज आ जाते हैं। ये भी गाला का ही स्क्रबर है, पर यूज करते करते काफी पुराना हो गया है, इससे क्लीनिंग अब हम कर सकते हैं क्योंकि अब ये सॉफ्ट हो गया है। नए नए स्क्रॉच बाइट स्क्रबर से भी स्क्रैचेज आ जाते हैं, पुराने होने पर हम इसका भी यूज कर सकते हैं। ये वाला स्क्रबर तो काफी सॉफ्ट होता है, ये तो परफेक्ट रहता है सनमाइके की क्लीनिंग के लिए। आज मैं आपको दो तरह से क्लीनिंग दिखाऊंगी। पहली डिशवॉशिंग लिक्विड से, जिसे मोस्टली सभी लोग यूटेंसिल क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, जो किसी भी ब्रांड का हो सकता है। और दूसरा यूज करूंगी रेड वाला हार्पिक। अब देखना यह है कि दोनों की सफाई में क्या अंतर है और कौन सा बेहतर है, केमिकल बेस्ड लिक्विड या डिशवॉशिंग लिक्विड। मेरा किचन प्लेटफॉर्म ब्लैक ग्रेनाइट का है, जिसकी मेंटेनेंस और क्लीनिंग दोनों ही काफी इजी है। इसके साइड में इस तरह का बॉर्डर लगा है, जिसके कारण मैं पूरे में पानी डालकर प्लेटफॉर्म को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और पानी नीचे भी नहीं गिरता है। क्लीनिंग के लिए मैंने लिया है हॉट वाटर और उसमें डाल रही हूँ डिशवॉशिंग लिक्विड। सबसे पहले काउंटर टॉप को पूरा खाली करके गैस का नॉब बंद कर देंगे। हाफ पार्ट में मैं स्क्रबर की हेल्प से हॉट वाटर वाला सोप लगाऊंगी। जिस जगह की भी क्लीनिंग करनी है, वहां हर जगह कोने कोने में इसे अच्छे से लगाकर छोड़ देंगे। दूसरी तरफ मैं रेड वाला हार्पिक लगा रही हूँ। स्क्रबर में हल्का पानी लगाकर हार्पिक लगाएंगे। दोनों को ही हम 10-15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देंगे, जिससे गंदगी फूल जाएगी और क्लीनिंग में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। 10 मिनट हो गए हैं, अब वापस से डिशवॉशिंग लिक्विड मिले पानी को और तेज गर्म करेंगे और अच्छे से रब करेंगे। दोस्तों, जब चिकनाई ज्यादा होती है तो नॉर्मल साबुन और पानी से वॉश करने पर नहीं साफ होती है, बल्कि और ज्यादा ग्रीसी लगने लगती है। वहीं जब हम हॉट वाटर का यूज करते हैं तो क्लीनिंग क्वालिटी तो बेहतर होती ही है, साथ ही क्लीनिंग फास्ट भी होती है। जो भी दाग धब्बे हैं उसे प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज थोड़े से दाग छुड़ा लिए बाकी फिर किसी दिन करेंगे, क्योंकि जितना हम दाग धब्बों को छोड़ते जाएंगे, दाग धब्बे उतने ही जिद्दी होते जाएंगे और साफ नहीं होंगे। इसीलिए जब भी हमारे पास पर्याप्त टाइम हो तभी हम सफाई करें, पर प्रॉपर करें।
इसके बाद मैं गीले सूखे कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ दूंगी। देखिए, 3 महीने से मैंने इसे गंदा छोड़ रखा था, फिर भी इजली क्लीन हो गया। मंथली तो मुझे इस एरिया की क्लीनिंग विदाउट टाइम और विदाउट एफर्ट के कब फटाफट से हो जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता। दोनों से ही क्लीनिंग में लगभग सेम टाइम लगा। इसी तरह से हॉट वाटर और साबुन से मैं ओवरहेड कैबिनेट की सफाई कर लूंगी। आज मैं ओवरहेड के ऊपर की, नीचे की ड्रॉर्स की और कैबिनेट के अंदर की क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। दोस्तों, किचन क्लीनिंग को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, डेली, वीकली, मंथली एंड 6 मंथली क्लीनिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम डेली क्लीनिंग प्रॉपर करेंगे तो वीकली क्लीनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीकली क्लीनिंग अच्छे से करेंगे तो मंथली क्लीनिंग में मेहनत कम लगेगी, और अगर मंथली क्लीनिंग कर ही रहे हैं तो 6 मंथली क्लीनिंग बहुत बड़ा टास्क नहीं रहेगा। और अगर 6 मंथली क्लीनिंग हम साल में 2 बार कर लेते हैं तो दिवाली पर एक साथ पूरी सफाई का बर्डन भी नहीं आएगा। ये मेरी छोटी सी ट्रिक आप भी फॉलो करके देखिएगा, सफाई कभी भी आपको सरदर्द नहीं लगेगी। इसी तरह मैं मंथली सभी कैबिनेट की सफाई हॉट वाटर और साबुन से करती रहती हूँ, जिससे आज 11 साल बाद भी मेरा किचन कैबिनेट नए जैसा चमचमाता रहता है। साबुन से वॉश करने के बाद मैं इसे गीली नैपकिन से 2 बार पोंछने के बाद सूखी नैपकिन से अच्छे से पोंछ देती हूँ। मुझे क्लीनिंग के लिए वाइप से ज़्यादा नैपकिन पसंद आती है, क्योंकि नैपकिन पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, जिससे एक बार में ज़्यादा एरिया कवर होता है, जिसके कारण क्लीनिंग फटाफट से हो जाती है। नैपकिन को हम डेली ही वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं, जिससे नैपकिन कभी भी ग्रीसी भी नहीं लगती। सामने सामने की सफाई तो हम बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, पर साइड्स और कॉर्नर पर मोस्टली हमारा ध्यान नहीं जाता, जहाँ सबसे ज़्यादा डर्ट कलेक्ट होती है। ऐसी जगह की क्लीनिंग पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। गैस पाइपलाइन और रबड़ को भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए। गैस पाइपलाइन का ये पाइप येलो कलर का था, जिसे मैंने किचन की थीम के अकॉर्डिंग वाइट पेंट कर दिया है। छोटे छोटे काम अगर हम खुद कर लें तो चीज़ों का लुक ही चेंज हो जाता है। टाइल्स की सफाई तो बहुत ही ईजी होती है। मेरी टाइल्स में एम्बॉस डिज़ाइन है, जिसके कारण फ्लावर्स के साइड साइड में गंदगी भर जाती है, इसीलिए मैं स्टील के स्क्रबर का यूज़ करती हूँ। वैसे भी टाइल्स को तो हम इजीली वॉश कर सकते हैं। अभी भी फ्लावर्स के साइड में कहीं कहीं डर्ट लग रही है, शायद आपको वीडियो में नहीं दिख रहा हो, जो कि एक बार और रब करने से साफ हो जाएगी। वहीं दूसरी साइड हार्पिक से साफ करने से पूरी तरह से एक बार में ही क्लीन हो गई है। रेड हार्पिक का यूज़ करने से बाद में कभी भी किसी चीज़ की शाइन कम नहीं होती है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस चूल्हे की सफाई पर। गैस चूल्हा सबसे ज़्यादा गंदा तब होता है जब दूध, चाय या कुकर में से कुछ उफन जाता है। ये हमें अच्छे से पता है कि इसकी सफाई अगर हम इमीडिएट कर लें तो जल्दी क्लीन हो जाता है, पर फिर भी हम नहीं करते और बाद में रगड़ते बैठते हैं। बर्नल्स अगर काले हो गए हैं तो हम नींबू के साथ इनो या साइट्रिक एसिड या फिर ब्लू हार्पिक में रात भर भिंगो कर रखें तो सुबह थोड़ी सी स्क्रबिंग में चमक जाते हैं, पर जैसे ही हम यूज़ करते हैं वो वापस से फिर काले हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको इतना एफर्ट देना चाहिए, पर हाँ, अगर बर्नल्स के छेद बंद हो गए हैं या गंदगी जम गई है तो इसे साबुन के पानी में उबाल कर छोड़ दें और तार वाले ब्रश से साफ़ कर दें, इससे पूरी तरह से साफ़ हो जाते हैं। गैस चूल्हे की सफाई भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ। इसकी प्लेट की सफाई मैं स्टील के स्क्रबर से करती हूँ। बर्नल्स के नीचे वाले स्पेस की सफाई करते समय हमें कभी भी पुराने स्टील के स्क्रबर का यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना इसके तार टूट के अंदर चले जाएंगे, जिसके कारण फ्लेम प्रॉपर नहीं जलेगी। प्लेट्स की साइड और जहां स्क्रू लगे हैं उसके आसपास हमें पॉइंटेड नाइफ से क्लीन कर सकते हैं। चूल्हे के साइड के हिडन पार्ट को भी हमें
पॉइंटेड नाइफ से हल्के हाथों से क्लीन करना चाहिए। चूल्हे के नीचे की साइड की बॉडी में बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए, इसीलिए सिर्फ ऊपर की साइड ही साबुन पानी से क्लीन करेंगे। मैं रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर क्लीनिंग करती रहती हूँ, इसलिए मुझे कभी भी सोडा विनेगर से सफाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। बर्नल्स को कभी भी सोडा विनेगर में डिप नहीं करना चाहिए, वो और भी काले हो जाते हैं। और कभी भी ब्लैक काउंटर टॉप पर विनेगर या नींबू का यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वाइट वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं। नॉब को भी निकालकर हम क्लीनिंग कर सकते हैं। अब मेरे यहाँ तो पाव बॉर्डर के कारण पानी नीचे गिरने का इश्यू नहीं है, सो मैं तो इसको पानी डालकर अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर अच्छे से सूखी नैपकिन से दो बार पोंछ देती हूँ। इतने सिंपल तरीके से ही चमचमा जाता है मेरा गैस चूल्हा। सभी यूटेंसिल की तरह ही रिंग्स को भी डेली क्लीन करना चाहिए। गैस नॉब के किनारे भी डर्ट जम जाती है, उसे भी नाइफ से हल्के हाथों से क्लीन करना चाहिए। प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग के लिए पानी और डिश वॉशिंग लिक्विड को स्प्रे बॉटल में भरकर डाल देती हूँ और पानी डालकर स्क्रबर से अच्छे से रैप कर देती हूँ। पानी से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। किचन वाले छोटे वाइपर से पानी को वाइप कर देती हूँ। किचन के कई तरह के छोटे वाइपर्स आते हैं, पर मेरा इस टाइप का वाइपर बेस्ट होता है। इससे पानी बहुत ही अच्छे से वाइप हो जाता है। इसे भी मैंने अपनी किचन थीम के अकॉर्डिंग ऑरेंज कलर का लिया है। किचन के नल को डेली साबुन से धोकर सूखे कपड़े से पोंछने से वैसे ही चमकते रहते हैं, पर ज्यादा गंदे हो गए हैं तो रेड वाला हार्पिक लगाकर अच्छे से स्क्रब कर दीजिए, चमक जाएंगे। इसी तरह बाकी बची जगह की सफाई भी मैं सिंपल तरीके से ही करती हूँ। ये सोप डिस्पेंसर काफ़ी अच्छा रहता है, यूटेंसिल क्लीन करने हो तो हल्का सा पुश करने पर स्क्रबर में सोप लेकर क्लीनिंग कर सकते हैं। मेरा किचन सिंक सिरेमिक का है, जो डेली में तो फटाफट से क्लीन हो जाता है, पर मंथ में एक बार मैं ब्लू वाली हार्पिक से क्लीन ज़रूर करती हूँ। मेरे दोनों नलों में हमेशा कपड़े की पानी छानने वाली थैलियाँ बंधी होती हैं, जिससे इसमें काफ़ी खार जम जाती है जो कि साफ़ नहीं होती। इसका कोई उपाय आपके पास हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कभी कभी आपके द्वारा बताए उपाय भी मेरे बहुत काम आते हैं, इसीलिए अपने अनमोल सुझाव तो हमें देते रहा करिए। सभी चीज़ों की सफाई के साथ किचन वाइपर को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, वाइपर को भी हमेशा हैंग करके रखना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि कौन बुलाए ड्रिल करने के लिए, तो भाई ये काम भी खुद कर लीजिए। दो टाइल के बीच वाले टाइल पर कोई भी छोटी सी कीली आसानी से लग जाती है। मेरी तरह आप भी खुद लगाइए। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि प्लेटफॉर्म को धोने के बाद सिर्फ वाइपर करके छोड़ दिया जाता है, पर हमारी यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। वाइपर करने के बाद एक बार साफ नैपकिन से पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छे से पोंछना ही चाहिए, साथ ही पूरी टाइल्स को भी पोंछना चाहिए। कहीं पर भी एक ड्रॉप पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल पानी में इतनी ज़्यादा हार्डनेस रहती है कि जहाँ भी पानी पड़े पड़े अपने आप सूख जाता है, वहाँ वाइट वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं या फिर धीरे धीरे एक लेयर जम जाती है। अब देखिए, मैंने पूरे प्लेटफॉर्म, टाइल, टैब सबको अच्छे से सूखी नैपकिन से पोंछ दिया है। अब बात करते हैं उनकी जिनके यहाँ पानी की हार्डनेस के दाग पड़ ही गए हैं, तो अब वो क्या करें। तो जिनके यहाँ सिर्फ वाइट स्पॉट पड़े हैं, वो रेड वाले हार्पिक को लगाकर थोड़ी देर छोड़ दें और फिर साफ कर दें। ज्वाइंट पर मोटी पानी की खार जैसी जम गई हो तो वो ब्लू हार्पिक का यूज़ करके स्टील के स्क्रबर से अच्छे से घिस कर साफ कर दें। पुरानी से पुरानी खार भी दो चार बार में साफ हो जाएगी। हाँ, फिर लाल हार्पिक से क्लीन कर दीजिएगा।
भूलकर भी इसे स्टील या सिंक या नल पर मत लगाइएगा, चमक खत्म हो जाएगी। आज मैंने आपको केमिकल बेस्ड लिक्विड और सिंपल डिशवॉशिंग लिक्विड दोनों से क्लीनिंग करके बताई। दोनों की क्लीनिंग में आपको कोई भी फर्क नहीं दिखा होगा, क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ, इसीलिए मुझे तो किसी भी केमिकल बेस्ड लिक्विड की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सोप से क्लीन करने के कारण मेरी क्लीनिंग तो हमेशा ही बजट फ्रेंडली भी होती है। तो क्यों जी, है ना एकदम सिंपल। दोस्तों, इस समय मुझे आपके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे नए नए लोगों तक मेरे वीडियोस पहुँच सकें। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। स्टे ट्यून, थैंक यू। We'll be right back.